असला दोस्तों मेरा नाम मकसूद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टकी हेल्प टिप्स तो जी हां फाइनली रिवील हो चुका है विंडोज 11 और विंडोज 11 अपने लॉन्च डेट से पहले ही लीक हो गया है अपकमिंग जैसे कि ये कहा जा रहा था कि विंडोज़ 11 जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो हमारा नेक्स्ट जनरेशन का विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होगा और जो कि मैं आपको बता दूं ये लॉन्च डेट इसकी रखी गई थी ट्वेंटी जून को और जहां पे ऑनलाइन आपको ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे एट थर्टी पी पे आपको दिखाया जाता और जहाँ पर सत्य नंदेला ने इसके बारे में बताया भी था कि ये आपके लिए नेक्स्ट जनरेशन का ऑपरेटिंग सिस्टम होने वाला है This conference is not about setting new rules or constraints that dictate how or what you should build. It's not even about celebrating our own innovation. It's about enabling your innovation and creating new opportunities for you. We want to help you help the world. We are at a pivotal moment. Development teams are changing, workflows are changing, app models are changing, apps themselves are changing. They will all become multi cloud, multi edge, as well as multi sense and multi device. They'll be infused with AI. Devices will work harmoniously together to support and put people at the center of these experiences. And most importantly, they will address some of our biggest opportunities. Everything we will show you is designed to empower you and empower the world. I can't wait to see what you create. अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो अपकमिंग ये लीक हुई है आज वो ये हुआ है चाइनीज साइट है बायदू वहां पे विंडोज 11 जो है लीक हुआ है और यहाँ पे उसके इंटरफेस के बारे में और स्टार्ट मेनू बहुत सारी चीजों के बारे में बताया गया है विद ऑपरेटिंग सिस्टम अब यहां पे मैं आपको बता दूं कि उसके बाद क्या हुआ उसके बाद ये हुआ कि इसके बारे में लोग चेक करना स्टार्ट करने लगे इसके फीचर के बारे में तो पता ये चला ये जो लीक हुई है ये सच में सही है और इसका खुलासा किया है द वर्ग ने और ये बताया है इन्होंने कि डाउनलोड करके इन्होंने दिखाया कि जो विंडोज इलेवन है वो जो फाउंड हुआ है वो जेन्यून है और ये वाकई में लीक हो गया है और ये विंडोज टेन जैसा बिल्कुल भी नहीं है ये थोड़ा सा डिफरेंट है और यहाँ पर आपको कुछ फील आता है मैक का और उसके साथ साथ ऐसा लगता है ये क्रोम ओ है अब यहाँ पे आइए जानते हैं इसके फीचर के बारे में जो कि आपको जानना बहुत ही जरूरी है और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कोशिश करूंगा कि विंडोज़ एलेवन डाउनलोड आएसो करके आपको दिखा पाऊँ कि किस स्टार्ट मेनू की बात करेंगे तो स्टार्ट मेनू यहाँ पे जो सेंटर में रखा गया सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर आपका जो स्टार्ट मेनू है वो लेफ्ट में ना हो के सेंटर में है और यहाँ पर जो रिफ्रेश आप करेंगे तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है सिंप्लीफाइड किया गया है और उसके साथ साथ जो टाइटल हैं और वहाँ पे जो आइकन है वो एक स्टैंडर्ड वे में एक पिन किए गए हैं और आपको बहुत सारी चीजें वहाँ पे दिख जाती हैं मतलब आपको फाइल भी दिख जाती है अगर यहीं पे टास्क मैनेजर की बात की जाए तो टास्क मैनेजर जो विंडोज इलेवन में है वो भी सेंटर में रखा गया है और तो सारी चीजें जो यहाँ पे हैं आप अगर बात करें स्लाइटली जो है राउंडेड एज हैं उसके साथ साथ जो फोल्डर के आइकन हैं वो डिफरेंट आपको दिखते हैं कलरफुल आपको दिखते हैं और एनिमेशन लुक भी फील आपको आता है उसके साथ साथ यहाँ पे जो क्लासिक फीचर है क्ला तो ये है कुछ चीज़ें जो आपको जानना बहुत ही जरूरी था विंडोज इलेवन से रिलेटेड तो नेक्स्ट मैं आप वीडियो दिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से विंडोज 11 वर्क करेगा तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो इसको लाइक जरूर करें